और जब बाबर सलीम लाइफ नाम चकवाल प्रेस क्लब स्टूडियो से आपको खुश आमदेद कहते हैं, मेरे को ख्वाजा वकार सईद, लाल फैन और अनान भट्ट इस प्रोग्राम की लाइव कवरेज के लिए मौजूद हैं। तो ज़िला चकवाल पंजाब के 36 ज़िलों में अमन व अमान और हर लिहाज से क्राइम की शरह और ये इस आखिरी नंबर पर ये ज़िला चकवाल में हम आज इस अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो सदर प्रेस क्लब शफीक मलक के हमारे दरमियान मौजूद हैं, नौजवान साथी वीडियो पाकिस्तान के एडिटर इन चीफ बरहान लखन मलक मौजूद हैं और जहाँ पाकिस्तान के ब्यूरो चीफ राजा कार अहमद मीर आज गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल होंगे। भाई साहब, पहली बात तो ये है कि चकवाल, जैसे आपने कहा है कि बड़ा पुरमन और बड़ा पुरसकून ज़िला था और लोग जो बाहर से इसको एक मिसाली ज़िला करा दिया था कि यार यहाँ पे ना कोई क्राइम है, लोगों की गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं, लोगों के दुकानें भी, अगर नमाज़ पढ़ने को चला गया है तो किसी रेडी वाले को बता गया कि यार मैं नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ। भाई साहब, जो अफसोसनाक बात ये है कि हमारे कानून नापस करने वाले इदारे जिन्होंने इस काम को रोकना है, अगर वही डकैतियां डालेंगे, जो बाढ़ है जिसने फसल की हिफाजत करनी है, अगर बाढ़ ही फसल को खाने लग जाए तो फिर फसल कहाँ से बचना है। मैं मिनर वाटर की 25 लाख रुपये की डकैती होती है दिन दिहाड़े 2 बजे पिंडी रोड पे, उसके बाद हमारे ऑफिस के सामने गला मंडी के जहाँ पे यहाँ से गाड़ी कोई मोड़ भी नहीं सकता, वहाँ पे प्रीमियम गाड़ी आती है, 4 लोगों को उतारती है, 4 लोग घर में जाते हैं और वहाँ पे 50 लाख रुपये की डकैती होती है। डकैती होकर बड़े आराम से वो लोग मतलब पैदल गाड़ी उनकी निकल गई, वो पैदल फरार हो गया। गाड़ी होता है तो वो मूँगफली और कोई 20,000 रुपया नकद और वो सारा देने के लिए जिस तरह होता है तो वो पेट्रोलिंग फोर्स के उसने रोक लिया, क्योंकि वो वालद के मोटरसाइकिल पे जा रहा था तो उसने कहा वो प्रेस लाया जी, वो है जी प्रेस है, तो वो उसने कहा वो वालद का मोटरसाइकिल है, तो वालद के साथ ही मैं भी प्रेस का थोड़ा बहुत काम करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं दिखाओ, तो वो बल्कि उसने मुझे लाइन अप भी किया कि भाई वो ख्वाजा बाबर को पूछ लो जी, तो वो उसने बात भी सुना ये पेट्रोलिंग फोर्स की कितने बड़ी डकैती, 20,000 रुपया भी लूट गया, कागजों में 175 रुपये की निशानदेही कर रहे हैं, शिनाख्ती कार्ड डाल गया, वो मूँगफली 4-5 किलो वो बहन को देने जा रहा था, वो भी डेढ़ थोड़ी सी डाल दी मूँगफली, बाकी खा गए वो खा गए। ये मैंने 1 मिनट में ये ठीक आप कह रहे हैं कि ये प्रयास से गवर्नमेंट एफ आई आर दे रही है, इस जगह पर तैयार नहीं है। अब जैसे ये आप बात की है शफकत साहब के बेटे की, वो नौजवान है, वो भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, इन्होंने उसमें इस्तगासा दे दिया खाम खा का नाजायज, अब उसका जो कैरियर है वो भी अप्लाई कर रहा है, वो जब यहाँ से किसी थाने में वेरिफिकेशन के लिए उसकी आएगी किसी भी अदारे से, आर्मी से आती है कि उसका तो उन्होंने फ्यूचर तबाह कर दिया। चकवाल में भी डीपी हो रहे हैं और बड़े अपराइट मैन है चकवाल, हालांकि ये थोड़ा अर्सा नहीं है मगर अपने थोड़े अर्से में भी उन्होंने बड़े अच्छे इधर ऐसे अपना अच्छा बनाया।